जय हिंद दोस्तों। तो आप एक नई योजना सुन रहे होंगे जिसका नाम है महालक्ष्मी योजना, और राहुल गांधी जी के द्वारा अपने भाषणों में खटाखट स्कीम के द्वारा जो है महालक्ष्मी योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है कांग्रेस की तरफ से। आखिर क्या ये महालक्ष्मी योजना जो है देश को बर्बाद कर देगी? ऐसा कई सारे लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं, और मैं इस वीडियो में आपकी आंखें खोल दूंगा जो आपकी बहुत जल्दी खुल जाएंगी। देखिए, ये दरअसल देश बिक जाएगा, ये बिक जाएगा, वो बिक जाएगा, तो ये दरअसल धारणाएं आती कहाँ से है? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और साइंस का टीचर भी हूँ। तो मैंने एक रॉकेटरी मूवी देखी थी, उसमें मैंने एक डायलॉग सुना था कि किसी भी व्यक्ति को अगर बदनाम करना हो तो उसके बारे में अफवाह फैला दो कि वो देशद्रोही है, और देश बेचना एक देशद्रोही जैसी घटना लगती है। तो क्यों ना यही प्रोपेगेंडा फैलाया जाए? तो चलिए, मैं बकवास ना करते हुए डाटा के साथ बात करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जो है कहा गया है कि 1 लाख रुपए उन महिलाओं को मिलेगा, उस फैमिली की एक महिला को जो है 1 लाख रुपए साल में मिलेगा, फैमिली की एक महिला को। अच्छा, तो फैमिली की अगर एक महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा, तो जो है अगर आप साल भर में अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो कम से कम नहीं तो हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन वाली महिलाओं को मिलेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या हमारे देश में है, हमारे देश में परिवार कम से कम है 4 करोड़। यानी कि हमारे देश में अगर आप परिवारों की संख्या देखोगे, हालांकि रफ एस्टिमेट अगर 2023 का देखा जाए 3.78 करोड़ लोग हैं जो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो 3.78 करोड़ लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी कि मोटा मोटा मैंने 4 करोड़ मान लिया। यदि 4 करोड़ लोग इस देश में जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, अगर 4 करोड़ लोगों को हम 1 लाख रुपए हर साल देंगे, तो इसका बजट जो आएगा वो करीब करीब नहीं तो आएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट आएगा 12 से 13 बिलियन जो है कम से कम आएगा, यानी कि 12 से 13 बिलियन। 4 करोड़ लोगों को अगर आप जो है 1 लाख रुपए देते हो साल में, तो आपका बजट जो आने वाला है वो अप्रॉक्स, क्योंकि 4 करोड़ जो लोग हैं उसमें से सारे 4 करोड़ के तो अकेला परिवार होगा नहीं, उसका 4 करोड़ का भी तो आधा कर दो, क्योंकि हर घर में मैं मान के चल रहा हूँ एक बच्चा और एक जो है पति पत्नी होंगे, तो 3 का अगर आप भाग देते हो, यानी कि 4 करोड़ में अगर 3 का भी भाग आप देते हो तो जो है आपका 13 करोड़ बनेगा जा करके, यानी कि 13 करोड़ जो है सॉरी जो 1.3 करोड़, यानी कि 1.3 करोड़ का अगर 3 गुना आप करोगे तो ये करीब 3 करोड़ 90 लाख बनेगा, 3 करोड़ 90 लाख, यानी कि 1.3 करोड़ जो है एक्चुअल फैमिली है हमारे देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हैं। तो 1.3 करोड़ का अगर हम जो है मल्टीप्लाई करें 1 लाख रुपए से, तो 1.3 करोड़ का जब हम 1 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा करीब करीब जो है कम से कम जो बजट बनेगा वो बनेगा 12 से 13 बिलियन US डॉलर का, 12 से 13 बिलियन US डॉलर कम से कम, और मैक्सिमम अगर देख लिया जाए तो 25 से 30 बिलियन US डॉलर जो है बजट बनेगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 25 से 30 बिलियन ऊपर नहीं बनना है। हमारे देश की जीडीपी कितनी है? तो हमारे देश की जीडीपी अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन डॉलर है। 4 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है 4000 बिलियन डॉलर, 4000 बिलियन डॉलर, 4000 बिलियन डॉलर में से अगर 25 बिलियन या 30 बिलियन या 15 बिलियन या 20 बिलियन चला भी जाता है तो इससे क्या जो है देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा? क्या देश बिक जाएगा? आप जरा बताइए। मोटा मोटा मैंने आंकड़ा उठाया है, मैंने कम से कम बताया है 12 से 13 बिलियन, और मैंने मैक्सिमम उठाया है 29 से 30 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना खर्चा आएगा इस योजना को इम्प्लीमेंट कराने में। वहीं पे जो दूसरा कंसर्न ये निकल के आ रहा है कि इससे तो देश बिक जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है, जो इसकी योजना के तहत जो है हमारे देश में किसानों को 2000 रुपये मिलता है, उसका भी जरा बजट सुन लीजिए। उसका बजट होता है एक बार किस्त डालने का 12 से 13 बिलियन डॉलर। तो फिर क्या इसमें गलत बात है? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पीएम किसान सम्मान निधि में जो है जो 11 करोड़ से 12 करोड़ किसानों को इससे फायदा होता है, लेकिन अगर ये योजना इंप्लीमेंट होगी तो इससे कम लोगों को ही फायदा होगा, कम महिलाओं को ही फायदा होगा। क्या योजना है? बेकार है। योजना बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बस उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। दायरा बढ़ाने का मतलब ये है कि आप पैसे भले कम दें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इससे बेनिफिट हो, वरना ऐसा ना हो कि अपने ही पड़ोस के आस पड़ोस के अपने ही लोगों को जो है आपने दे दिया। बिलो पॉवर्टी लाइन का क्या आप क्राइटेरिया रखोगे? क्या उसके लिए जो है जमीन एक देखी जाएगी या फिर जो है क्या चीज़ देखी जाएगी? इसका भी कोई भी अनिश्चित है। दूसरा चीज़ ये जो कंसर्न उठ रहा है कि इतना जो गरीबों का टैक्स है, एक व्यक्ति है जो खटाखट स्कीम पे जो है एकदम
उस पर क्रिटिसाइज करते हुए ये बोलते हैं कि गरीबों का जो अमीर लोग टैक्स देते हैं वो अपनी सिक्योरिटी अपने काम के लिए देते हैं कि हम गरीबों को बांटने के लिए देते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पहली बार अफर्मेटिव एक्शन की बात कही थी, यानी कि अमीर टैक्स देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अमीरों को ही सारा टैक्स उनके लिए ही कल्याण किया जाएगा, ये बाकी सोसाइटी का क्या होगा। क्योंकि आप सिक्योरिटी की बात करते हो, आप कहते हो कि अमीरों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन अमीरों की सिक्योरिटी को इनसिक्योर करता कौन है? अमीरों की सिक्योरिटी को इनसिक्योर करता है गरीब। एक चोर डकैत कौन होता है? वही होता है जिसको आपने सिक्योर नहीं किया है। तो अगर हम सरकार जो है उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा, यानी कि अमीरों का पैसा टैक्स के द्वारा जो है, कुछ अगर पैसे, मैं सारा नहीं कह रहा हूँ, कुछ पैसा अगर उन गरीबों को जाएगा तो गरीब ऊपर आएंगे, और जब गरीब ऊपर आएंगे जो है उनका जो इनकम लेवल है वो बढ़ेगा, तो वो चोरी डकैती लूट घसोट क्यों करेंगे? हो तो गया आपके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम। तो वो सिर्फ अपना जो है सोचते हैं कि सारा पैसा टैक्स का उन्हीं के ऊपर लगा दिया जाए और गरीबों को ना बांटा जाए। उनको शायद ये नहीं पता है कि समाज में जो है तभी सुख शांति रह सकती है जब सभी समाज के वर्ग, जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी है, वो सभी जो है सबको जो है समान तरीके से देखा जाए, इंस्टीट्यूट सबके लिए जो है अवेलेबल हो। अब दूसरा बात ये आ जाता है, एक और मैं इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से ले लेता हूँ कि जो ये पैसा आएगा इकोनॉमी में आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब ओवरऑल क्या इससे देश को फायदा होगा या देश को नुकसान होगा। तो देखिए, अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये मेरा मन का विचार है, और मैं जो आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा वो जो है आपकी आंखें खोल देगा। दरअसल जब कोरोना लगा था 2019 में, 2018 के समय, तब देश में जो है इंजेक्ट किया गया था पैसा अमेरिका में, कम से कम नहीं तो 575, सॉरी मुझे रफ एस्टिमेट तो नहीं याद आ रहा है, बट बहुत सारा पैसा जो है डॉलर की तरीके से बांटा गया था अमेरिका में, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। शॉर्ट टर्म में तो जो है आपको जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, देश की तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो फ्री का पैसा एक इकोनॉमी में जब इन्वेस्ट करते हो तो इससे नुकसान भी लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकते हैं, जिसका भुगतान आज अमेरिका अपनी जो फेडरल रिजर्व बैंक उसकी है, जो रेपो रेट है या जो मतलब ब्याज लगाई जाता है, उसको जो है बढ़ाती ही जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? वो रेपो रेट क्यों बढ़ा रही है अमेरिका? क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है अमेरिका में, देखिए पैसा लोगों के पास आया। अब आप इंडिया का व्यक्ति हो चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, वो जो है धंधा नहीं करेगा। आप धंधा के लिए पैसे दे रहे हो, धंधा नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने घर के काम को निकालेगा और धंधा गया आपका तेल लेने। यानी कि जो है आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप जितना भी पैसा इस देश की जनता को दोगे, वो जनता धंधा करेगी, इसकी क्या गारंटी है? जैसे अमेरिका में पैसा दिया गया था कोरोना के समय, लोगों ने उसको पता क्या किया, लोगों ने जो है एफडीआई के माध्यम से, पीपीआई के माध्यम से, एफआईआई के माध्यम से इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिससे सेंसेक्स निफ्टी एकदम बूम पे आ गई। दुनिया की सारी मार्केट, आप क्रिप्टो मार्केट उठा लीजिए, सारी मार्केट दुनिया की जो है एकदम बूम हो गई। लेकिन जैसे ही जो है कोरोना खत्म हुआ, लोगों ने पैसा अपना खींचना चालू किया, क्योंकि सरकार ने दिया था तो अब सरकार जो है उसको निकलवाएगी, तो लोगों ने पैसा जो है उसका प्रॉफिट ऑफिट निकाल निकल के निकालना चालू किया, जिससे क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। अब इकोनॉमी जो है नीचे चली गई, कारण क्योंकि जो पैसा लोगों को आपने दिया था उन्होंने धंधा अंदर नहीं डाला, उन्होंने पैसे को कमाने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। यही इंडिया के केस में भी हो सकता है, हमारी जो महिलाएं हैं उनको अगर पैसा दिया जाता है 1 लाख रुपए प्रति ईयर, तो उससे क्या होगा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अपने घर का खर्चा चलाएंगी, और जो है हो सकता है उसमें से बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन ही हो जो अपना जो है एक उद्योग जो है इस्टेब्लिश करें। इसका नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि हमारे देश में ग्रोथ तो नहीं होगी, और जो लोग इसमें काम का चालू भी करेंगे उससे हमारे देश की थोड़ी बहुत ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा रहेगा। क्योंकि जीडीपी में, इकोनॉमी में पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा को जो है इंजेक्ट आप करोगे, और जब पैसा इंजेक्ट होगा तो इससे हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ने से क्या होगा, महंगाई बढ़ने से अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो हमारे गरीब जनता और अमीर जनता की जेब पे ही उसका बोझ पड़ने वाला है। यानी कि पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट कर देना, पैसा बांट देना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन हमने सबको तो पैसा बांटा नहीं है, लेकिन आपने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को तो बांटा है, इससे कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को फिर आप कंट्रोल करने के लिए अपना रेपो रेट बढ़ाओगे, रेपो रेट बढ़ाओगे, फिर हमारे देश में जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा लॉन्ग टर्म में। ये लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट हैं। लेकिन मैं जो हूँ समस्या पर बात नहीं करता हूँ, सोल्यूशन पर बात करता हूँ। सोल्यूशन इसका एक ही है कि आप पैसे मत बांटिए। जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारा स्टार्ट किया गया था, उसको आप थोड़ा अगर गति दें
उसको अगर थोड़ा आप उसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, जैसे आप इंडस्ट्री लगाइए, आप जो है औद्योगिकीकरण कीजिए, आप रोजगार जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां या कई सारी जो है इंटरप्राइजेस के द्वारा जो है विदेशी फंडिंग मंगाइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंगाइए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कीजिए, ताकि जो है जब जहाँ पे सुरक्षा होती है वहीं पे बिजनेसमैन आना भी पसंद करता है। आप जब ये सारी चीज़ें करोगे, जब विदेशी फंडिंग अंदर आएगी, यानी कि विदेशी फंडिंग आ रही है यानी कि बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, जब बाहर का पैसा अंदर आ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। बाहर का पैसा अंदर आए लेकिन अंदर का पैसा बाहर ना जाए, यानी कि अंदर ही अंदर पूंजी का निर्माण ना हो, अंदर ही पैसे का निर्माण ना हो, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बाहर का पैसा अंदर आए वो अच्छी बात है, हालांकि उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, बट ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वो आरबीआई के पास पैसा चला जाता है। इससे हमारे देश में जो हेल्दी एक इन्फ्लेशन रहता है जो 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, वो हमारे मेंटेन रहेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पैसे देने की बजाय आप इंडस्ट्री पे काम कीजिए, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कीजिए, आप इंडस्ट्रियां लगाइए, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक कुछ ऐसा स्किल दीजिए, आप उनको कुछ सिखाइए और उनको एक ऐसे काम में लगाइए जिससे जो है उनकी जो रोजगार है, जैसे विदेशों का बहुत सारा जो काम होता है सिलाई बुनाई या फिर जितना भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 50 तरीके के धंधे हैं आज, तो जितना मॉडर्न जमाना होता जा रहा है उतने ज़्यादा जो है व्यवसाय बिजनेस भी उतने फैलने लगे हैं। आप तमाम तरीके के उनको स्किल्स दिखा सकते हो, उनको तमाम तरीके के काम में एंगेज कर सकते हो, इससे हमारे देश की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हालांकि ये थोड़े समय के लिए समय जरूर लगेगा सीखने में, स्किल डेवलपमेंट कराने में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो देश को देखने को मिलेगा वो बहुत ही बड़ा होगा। जबकि आप पैसे अगर बांट दोगे तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो आपको देश में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा, फर्जी ग्रोथ, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत हार्मफुल होने वाला है। यदि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो है स्किल प्रोवाइड करके आप ही दे सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ ऐसा काम बता दीजिए उनको, कुछ ऐसा फंडा दे दीजिए जैसे वन डिस्ट्रिक्ट लोकल फॉर वोकल। ये आइडिया काफ़ी पसंदीदा, काफ़ी बेहतरीन आइडियाज थे। तो ये जो है मैंने आपको बात की, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एनालिसिस इस प्रकार की देखना चाहते हैं तो अगला जो टॉपिक आपको पसंद हो उसको कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।